बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है दोस्तों। तो यार ये देखो बाढ़ के पानी में ये झोपड़ी थी जिन बेचारों की, ये यहाँ पे डूब गई है बाढ़ के पानी में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और यार देखो आज का सीन तो तुम पीछे देख ही सकते हो कि भाई क्या हाल चाल चल रहा है। भाई घर डूबने को हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हो रही है खटीमा में भाई बहुत जोरों की बारिश और भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है भाई, दो तीन दिन से लगातार हो रही है। और जैसा कि देख सकते हो भाई वहां तक हमारा पूरा आंगन यार घर डूब गया है पूरा, यहाँ से लेके वहां तक, और जहाँ भी देखोगे भाई पानी ही पानी दिखाई देगा। और यहाँ तक तो ऊपर तक चढ़ गया है पानी, अभी लग रहा है आज रात भर तक बारिश हो जाएगी तो पूरा डूब जाएगा। भाई ये क्या हो गया भाई, घर के अंदर पानी घुसने में देर नहीं लगने वाली। भाई मम्मी वहां से आ रही है और घर के अंदर भाई जो हालत हो रही है आज, अभी तो सिर्फ आंगन में पानी भरा है, कल तक अगर बारिश हो गई तो मैं बता रहा हूँ पूरा घर डूब जाएगा। भाई ये पापा कहाँ डूब रखे मेरे। तो गाइस अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, छतरी ओढ़ के अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं गाँव के हाल समाचार देखने। इनकी दीवार गिर गई इनकी दीवार गिर गई है, यहाँ पे इनकी दीवार हुआ करती थी। तूफानी बाढ़ आते हुए यहाँ पे क्या कहना चाहोगे सूरज भाई? तो सूरज सिंह बोरा फ्रॉम न्यूज 18 और आज हमें खटीमा में यहाँ पे आ रखी है घमासान बाढ़, मूसलाधार बारिश हो रखी है उत्तराखंड में, कई जगह कई जिले डूबे हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है दोस्तों, पर हमको क्या दोस्तों, हमको तो घूमने में मजा आ रहा है। अभी हम पूरा नाप देंगे अपना गांव और घूमेंगे बड़ा। ये देखिए ये सूरज भाई का घर, ये यहाँ से धार जाती हुई सूरज भाई के घर, ये इनका प्राइवेट आइलैंड है यहाँ पे। नहा ले इसमें है ना, मजा नहीं आ रहा इसमें। देखिए गाइस सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं आपको। चप्पल बह गई है, रुक जाओ दो मिनट। ओ माय गॉड दोस्तों यहाँ पे झरने बह गए हैं, सात समुंदर एक साथ बह गए हैं यहाँ पे, लहरों का भाव बहुत ही ज्यादा तेज है, ये हमें पीछे की ओर धकेल रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे दोस्तों। मैं बियर ग्रिल्स और यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तालाब से आपको कैसे बचना है अगर ऐसी खतरनाक लहरें आ जाएं। अरे हाँ अरे तुम पहले कुछ तो समझ जाओ। ये क्या हो गई मेरा शहर डूब गई। तो यार ये देखो बाढ़ के पानी में ये झोपड़ी थी जिन बेचारों की, ये यहाँ पे डूब गई है। क्यों सूरज भाई? हाँ तो कैमरा मैन अंशु सिंह के साथ सूरज सिंह बोरा लाइव रिपोर्टिंग। और यहाँ पे देखिए, इधर दिखाओ भाई। तो ये झोपड़ी है यहाँ पे आधी से ज्यादा पूरी डूब चुकी है और पता नहीं ये मामला यहाँ पे माहौल कब तक चलते रहेगा, कुछ नहीं कह सकते। मूसलाधार बारिश चलती रह रही है, खटीमा का ये हाल है। कैमरा मैन अंशु सिंह के साथ सूरज सिंह बोरा, देखते हैं। यहाँ पे बहाव बहुत ज्यादा तेज है दोस्तों, ये यहाँ पे हमें पता लग गया है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ा बहाव चल रहा है और यहाँ पे लग रहा है एक के बाद एक करके पहाड़ बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे यहाँ पे लोगों की उतने ही गाड़ फटते जाएगी वैसे वैसे। क्या बोलें ये एकदम पूरा, अरे बेटा मूसलाधार बारिश में मूसले जैसे ये लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा पानी भर गया है। एक बार सूरज कहना मैन रिपोर्टिंग, और भाई रिपोर्टर तो हम फिर से आ गए। नहीं नहीं नहीं, लोगों को पता कैसे लगेगा कि भाई वहाँ पे पानी कितना है, एक बार घुस के दिखाओ। हाँ जाके दिखाओ तो, चलो। अच्छा तो ये जाने वाले विभाग के ये है इधर पीछे, कहाँ ये जाएंगी जरा एक बार आगे चल के लोगों को दिखाना चाहोगे कि कहाँ तक है पानी, पानी कितना डुबावदार है यहाँ पे दिखाने हम जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये पानी का जो बहाव और डुबाव है ये कहाँ तक है, ये हमारे रिपोर्टर भाई साहब दिखाएंगे। देवी और सज्जनों मैं आ गया हूँ यहाँ पे ज्यादा गहरे वाले स्थान पे और देखिए यहाँ पे पानी घुटनों तक आ रहा है। थोड़ा और दिखाइए समझ नहीं आ रहा जनता को, समझ नहीं आ रहा यहाँ पे, और पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है। देखिए जिस तरह मैं आगे आगे जाता जाऊंगा उस तरह मेरे पानी मेरे शरीर में ऊपर बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों पानी जो है वो यहाँ तक बह चुका है और हमारे अभी घुटने डूबे हैं,
मतलब। और देखिए ऐसे करते करते हमारे गले तक पानी पहुंच जाएगा आगे, पर हम वहां तक जाएंगे नहीं। पर हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग पूरा डूब के दिखाएंगे आज आप लोगों को, सिर्फ आपके लिए दोस्तों। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अच्छी और बुरी सिचुएशन में इतनी बकचोदी करने की आदत पड़ गई है। ये हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा, मतलब हमें खुश होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए इसका सवाल तो आप लोग ही हमें दे सकते हैं, कमेंट में कीजिए। जी हाँ, तो आपके ऊपर है ये फैसला कि बताने का कि खटीमा शहर में जो कि हम चूतिया हैं या नहीं, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। जो बाढ़ में मजे ले रहे हैं, क्या हमें इसका दुख मनाना चाहिए? देखिए हमारा काम है गाड़ मराना, बाढ़ की खटीमा शहर में आई बाढ़ की रिपोर्टिंग करना और दर्शकों तक एक एक चीज का खबर पहुंचाना। चलिए आइए चलते हैं आगे। तो ऐसी न्यूज रिपोर्टिंग आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी जिंदगी में, जो आज हम आपके लिए कर रहे हैं। ये देखिए इनके अभी घुटनों से ऊपर पानी, नुन्नी के नीचे ऊपर पानी। इनके मुर्गे अभी तक बचे हुए हैं, ये मुर्गे बेचारे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, अपनी मौत से जूझ रहे हैं कि कब ऊपर आ जाए पानी और ये बेचारे मुर्गे जो है ये डूब जाए। तो मुर्गो जी कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे कुछ नहीं कह रहे यार, ये तो कुछ शौक में है कि ये क्या हो गया, हम कौन सी नई जगह आ गए। खटीमा ऐसा दिखता तो नहीं था? खटीमा वो बन गया है क्या, वो क्या कहते हैं उसे, कौन सी जगह है यार वो जो पानी के बीच में जो वो होती है यार, खटीमा बन गया है, ये रेन फॉरेस्ट बन गया है। अरे नहीं वो कौन सी जगह है बहन की रन, जिसमें वो मोदी ने बैन लगा दिया था बॉयकॉट वो करो उस जगह पे, वो एम से क्या है यार, मालदीव्स, मालदीव्स बन गया है, मालदीव्स बन गया है। ये छोटे बच्चे नहीं आ सकते थे उस भारी भाव के पानी में, और डुबंत जिसे कहते हैं डूबने वाले में, ये इसकी गर्दन तक पानी आ जाता। तो चलो आगे चलते हैं छुटकी। खटीमा शहर हमने आधा पार कर चुका है और सिचुएशन हर जगह वही देखने को मिल रही है, हर जगह पानी पानी भरा हुआ, हर जगह लोग यहाँ पे डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, तो हम उन्हें रेस्क्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जिस हिसाब के ये हालात चल रहे हैं गांव में, बहुत ही ज्यादा भारी बारिश होने के कारण बाढ़ आ चुकी है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो इसी के दुख में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ओए होए हाय 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 होए हाय हाय मधुमती मधुमती अखलड़ी कदी कदी मौका मिले कदी कदी बाढ़ के पानी में। बहुत ही ज्यादा खतरनाक बारिश और ज्यादा तेज हो गई है, और यहाँ पे हमारे मच्छीधारी आ गए हैं मच्छी पकड़ने इतनी भीषण बारिश में भी। दूर दूर जो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़े बड़े खेत हुआ करते थे जो कि सब पानी में मिल चुके हैं। मच्छीधारी मच्छी पकड़ रहे हैं यहाँ पे हमारे, देखते हैं इनने कितनी मच्छी पकड़ी है अब तक। वैसे तो देख के लग रहा है कुछ घंटा भी नहीं पकड़ी है। हमने ये मछली पकड़ी है। ओ भाई पकड़ ली यार सही में, इसका बच्चा है ये। तो आपको कैसा लगा मैं मछली पकड़ के? तो मछली पकड़ने का इतने सालों बाद काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हालांकि हम दोनों ने बहुत मेहनत करी यहाँ पे। जाला फट गया था वो तो जाला फट गया, वरना शार्क मछली डॉल्फिन पकड़ी लेते। जाला फट गया था ये क्योंकि मच्छरदानी थी, ये बड़ा वाला मछली दाना नहीं था। अबे अच्छी लग रही है, अब इसको घर ले चलते हैं। डालोगे अच्छा क्या डाले अपने?